बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल बिरयानी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 kg, अनियन मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद और टमाटर भी मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद। जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट मैंने लिया है 1 tablespoon। मटर मैंने लिए हैं 1 प्याली के करीब। 1 प्याली मैंने ली है ग्रीन अनियन। 1 प्याली में ही मैंने लिए हैं गाजर और मैंने लंबाई में काट लिया है। और थोड़ी इमली ली है मैंने। 2 tablespoon मैंने बिरयानी मसाला लिया है। 1 tablespoon गरम मसाला मिक्स है। 1 tablespoon कुटी हुई रेड चिली। 1 tablespoon धनिया पाउडर। 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर लिया है। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। और चिकन मैंने ली है 1/2 kg। और दही मैंने ली है 1 कप। अब सबसे पहले हम अनियन फ्राई कर लेंगे। देखिए अनियन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और ब्राउन हो जाए। चिकन से जो पानी रिलीज होता है उसी में ही हमने चिकन को फ्राई करना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें बहुत अप्रिशिएट करता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे और इस पेस्ट को भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और मटर ऐड करेंगे इसमें हम। टमाटर ऐड करेंगे। और बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला 2 tablespoon है। गरम मसाला मिक्स हम ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे। कुटी हुई रेड चिली ऐड करेंगे। इमली ऐड करेंगे। और अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम दही ऐड करेंगे 1 कप
और अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेंगे, मसाले की भुनाई कर लेंगे। देखिए मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। और थोड़ा ग्रीन अनियन ऐड करेंगे। और कुछ ग्रीन अनियन हम दम लगाते हुए गार्निश करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला मिक्स और नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितने चावल हैं उससे आप डबल पानी ऐड कीजिएगा। चावल में इतना पानी ऐड करना है कि चावल से जो 1.5 इंच है वो ऊपर हो। चावल का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से ग्रीन अनियन गार्निश कर देंगे और थोड़ा फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो फूड कलर को कट भी कर सकते हैं। आप फूड कलर बेशक ना डालें। और अब चावल को 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।